क्या सच में ही पारस छाबड़ा और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच में आ गई है दरार? क्या बढ़ गई हैं इन दोनों के बीच में दूरियां? इन सभी बातों पर से पर्दा हटाया है खुद पारस छाबड़ा ने। जी हाँ, चलिए आपको बताते हैं पूरी खबर। उससे पहले आप हमारे चैनल स्लैब समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि सिद्धार्थ शुक्ला और पारस छाबड़ा के बीच में अब दोस्ती नहीं रही है, इन दोनों के बीच में काफ़ी दूरियां बढ़ गई हैं। उसके पीछे की वजह थी पारस छाबड़ा के एक स्टेटमेंट जो उन्होंने बिग बॉस सीजन 13 में दी थी सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर। पारस ने कहा था कि सिद्धार्थ शुक्ला ड्रग रीएडिक्शन सेंटर में रहकर आया है और सिद्धार्थ शुक्ला पारस छाबड़ा की इसी बात से उनसे नाराज़ थे और इन दोनों के बीच में आ रही हैं दूरियाँ। ऐसी खबरें आ रही थी कुछ दिनों पहले तक, पर अब पारस छाबड़ा ने इस पर किया है बड़ा खुलासा। पारस छाबड़ा ने हाल ही में पिंक विला में एक इंटरव्यू दिया है। पारस से इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि सिद्धार्थ और आपके बीच में काफ़ी दूरियां आ रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो पारस छाबड़ा ने कहा कि मैंने रिसेंटली सिद्धार्थ शुक्ला से बात की थी और मैंने उससे सारी चीज़ें पूछी तो सिद्धार्थ ने डिनाई कर दिया। उसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे हम पहले अच्छे दोस्त थे वैसे हम आज भी हैं। वेल गाइस, पारस छाबड़ा ने तो अपने इंटरव्यू के दौरान बता दिया कि सिद्धार्थ शुक्ला और पारस छाबड़ा आज भी अच्छे दोस्त हैं। इस पर पारस छाबड़ा का ये कहना है, मुझे नहीं पता ऐसी फेक न्यूज़ कहाँ से आती हैं, पर सिद्धार्थ शुक्ला और मैं आज भी एक अच्छे दोस्त हैं। यहाँ पर पारस छाबड़ा ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा कर ही दिया है कि वो फेक न्यूज़ थी, सिद्धार्थ शुक्ला और पारस छाबड़ा आज भी अच्छे दोस्त हैं। वेल गाइज, ये थी हमारी आज की अपडेट। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल स्लैब समाचार को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन दबाएंगे तभी आप हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाएंगे।